गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम काव्य खंड में हमारा नया टॉपिक शुरू करेंगे। चैप्टर है आज कवि रसखान। कवि रसखान नाम से ही जैसा विदित है, रस की खान। इनकी सवैयों में कृष्ण के प्रति रस कूट कूट कर समाहित है। इसमें कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को जाहिर किया है। रसखान किसी भी तरह हर अपने जन्म में, चाहे वो मनुष्य बने, चाहे पशु बने, चाहे कुछ भी बने, वो श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। वो किस तरह से श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति में डूबे हैं, उसी को आज हम यहाँ पढ़ेंगे। तो देखते हैं श्री कृष्ण, ठीक है, भक्त कवि रसखान। कवि रसखान का पहले जीवन परिचय पढ़ लेते हैं, फिर आगे इनके सवैयों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए आज हम पढ़ते हैं इनके सवैये, जीवन परिचय। रसखान का जन्म 1548 में माना जाता है। चार पांच लाइनें हैं, कवि रसखान का जीवन परिचय छोटा ही है। चार पांच पॉइंटों में याद करेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। पहली बात, कवि रसखान का जन्म 1548 में दिल्ली के आसपास माना जाता है। नंबर दो, ये मुसलमान कवि थे। उसके बाद में कृष्ण भक्ति का प्रभाव इन पर इतना हुआ कि इन्होंने धर्म परिवर्तित करके गुरु विठल नाथ से दीक्षा ले ली और ये कृष्ण भक्त कवि बन गए। तो इनका मूल नाम जो है वो सैयद इब्राहिम था। दो बात, पहली बात याद रखनी, 1548 में जन्म हुआ, दिल्ली के आसपास माना जाता है। दूसरा, इनका मूल नाम आपको याद होना चाहिए, मूल नाम सैयद इब्राहिम था, ठीक है, ये मूल नाम। और दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने इन्हें इतना प्रभावित किया कि गुरु, क्या नाम था इनका, गुरु विठल दास से दीक्षा ले ली और ब्रज भूमि में जाकर बस गए। 1628 के लगभग इनकी मृत्यु मानी जाती है। अब इनकी कृतियाँ, इंपॉर्टेंट कृतियाँ हैं इनकी, सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका, ठीक है। तो ये इनकी दो इंपॉर्टेंट कृतियाँ हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। सुजान रसखान, सुजान से संबंधित जो भी कृतियाँ अगर आपको मिलती है तो वो सभी रसखान की लिखी हुई है, क्योंकि सुजान रसखान में जो सुजान है वो ये जिस राजा के दरबार में कविताएं करते थे उसमें नर्तकी थी सुजान, जिनसे इन्हें प्रेम हो गया और फिर सुजान ने इनके प्रेम को ठुकरा दिया और ये पूर्णतया कृष्ण भक्ति में रम गए। फिर इनके सवैयों में जो सुजान नाम मिलता है वो सुजान उन्होंने श्री कृष्ण को संबोधित करके सवैये लिखे हैं। तो यहाँ हो गया इनकी प्रेम वाटिका और ये, और इनके समस्त सवैयों का, इनकी समस्त काव्यों का संग्रह है रसखान रचनावली में मिलता है। यहाँ इनकी काव्य की विशेषता है कि ये देखिए कृष्ण भक्त कवि हैं। रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के भक्ति प्रकट हुई है, केवल कृष्ण के प्रति नहीं बल्कि कृष्ण से जुड़ी प्रत्येक चीज, प्रत्येक स्थान से इन्हें विशेष लगाव हो गया। केवल ऐसा नहीं है कि केवल कृष्ण से ही प्रेम है इन्हें, कृष्ण के जहाँ जहाँ कृष्ण का स्थान है, कृष्ण की हर एक चीज़ों से इन्हें प्रेम है। तो कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति भी इनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम महिलाओं का वर्णन मिलता है, प्रेम की तन्मयता है, भाव विहलता है, आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध है ना उतनी ही उनकी भाषा में मार्मिकता, शब्द चयन भी इन्होंने ऐसा किया है कि पाठकों के लिए वो एक क्लिष्ट भाषा जैसा नहीं होता है, यानी इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है कि समझ ना आ सके। इनके सवैये बहुत ही सरल और सहज है, ब्रज भाषा में लिखित है, ठीक है। उनके यहाँ ब्रज भाषा का, तो भाषा कौन सी हो गई रसखान की, ब्रज भाषा, अत्यंत मनोरम प्रयोग किया है जिसकी जरा सी शब्द आडंबर नहीं है। शब्द आडंबर होता है कि केवल क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करके उस भाषा को जटिल बना देना, उस काव्य को जटिल बना देना, ऐसा इन्होंने नहीं किया है। पहला सवैया पढ़ते हैं, अच्छे से समझना, बहुत सरल है, आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति यहाँ पर दिखाई देती है। पहला पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर रसखान जो है अपनी क्या करते हैं, इच्छा जाहिर करते हैं,
कि मैं जब भी किसी भी जन्म में भी जो भी योनि मुझे प्राप्त हो तब मुझे कृष्ण के आसपास रहना है। तो क्या कहते हैं इच्छा जाहिर क्या करते हैं, मानुष हो तो वही रस खानी, अगर मानुष हो तो वही रस खानी। रस खान कहते हैं कि मानुष हो, मानुष यानी अगर मनुष्य बनाया जाए, क्या बनाया जाए मुझे, मनुष्य बनाया जाए। ये देखिए, मुझे अगर मनुष्य बनाया जाए तो बसो ब्रज गोकुल के द्वार, तो मैं कहाँ बसूं, गोकुल में ब्रज गांव में, ग्वाला द्वारन यानी ग्वाला यानी ब्रज भूमि का मुझे क्या बनाया, ग्वाला बनाया जाए। क्यों, क्योंकि ग्वाला बनाएंगे तो मैं श्री कृष्ण के साथ खेल सकूंगा, मैं श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर सकूंगा। तो पहली इच्छा है इनकी कि मुझे मनुष्य की योनि अगर मिले तो मैं क्या बनना चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ, मनुष्य बनना चाहता हूँ, ताकि मैं ग्वालों के साथ, मैं ग्वाला बनकर श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर सकूँ। नंबर दो, जो पशु हो, जो मुझे पशु बनाया जाए, अगर मुझे पशु की योनि अगर मिलती है तो कहाँ बस मेरो, तो मुझ पर मेरा वश नहीं रहेगा, बल्कि मुझे नंद बाबा की गाय धेनु मंझारन यानी बीच में, नंद बाबा की धेनु पर्यायवाची होता है गाय का, मैं क्या करूं उस नंद बाबा की गायों के मध्य क्या करूं, विचरण करूं। क्यों, क्योंकि नंद बाबा की गाय कौन चराता है, श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण जब मुझे चराने ले जाएंगे, जब मुझे हांक कर ले जाएंगे, जब अपनी बंसी की मधुर ध्वनि से हमें वश में कर लेंगे, तो वो आनंद मुझे प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो पहला था, पहली इच्छा जाहिर करते हैं कि मुझे मनुष्य बनाया जाए तो मैं ग्वालों ग्वाला बनूं ताकि कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर सकूं। दूसरा कि मुझे पशु गाय बनाया जाए, मुझे गाय बनाया जाए ताकि मैं क्या कर सकूं, श्री कृष्ण नंद बाबा की गायों के बीच में रहकर श्री कृष्ण के हाथों चर सकूं। नंबर तीन कह रहे हैं कि पाहन हो तो, पाहन यानी पत्थर, अगर मुझे पत्थर बनाया जाए तो वही गिरी को, गिरी पर्वत का पर्यायवाची है, गिरी किसका पर्यायवाची है, पर्वत का, कि अगर मुझे गिरी बनाया जाए, अगर मुझे पर्वत बनाया जाए तो पत्थर हो तो उसी गिरी को, उसी पर्वत का बनाओ जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण, जो जिस पर्वत को, कौन से पर्वत का पत्थर बनना चाहता है, जिस पर्वत को श्री कृष्ण ने अतिवृष्टि से, इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए, ब्रजवासियों को बचाने के लिए जिस पर्वत को धारण किया था, उस पर्वत का मुझे क्या बनाया जाए, पत्थर बनाया जाए। ठीक है, हरि छत्र पुरंदर धारण, जो धारण, जो पर्वत श्री कृष्ण ने धारण किया था। ठीक है, तीन इच्छाएं जाहिर कर दी, अब चौथी इच्छा, जो खग हो, जो क्या हो, खग हो यानी अगर मुझे पक्षी बनाया जाए, क्या बनाया जाए, पक्षी बनाया जाए, खग पक्षी, अगर मुझे पक्षी बनाया जाए तो करो मिली बसेरो, बसेरो कहाँ करो, कहाँ निवास हो मेरा, कालिंदी, कालिंदी है यमुना नदी, कौन सी, यमुना नदी, कूल, कूल मतलब होता है किनारा, ठीक है, कूल मतलब किनारा, कुल मतलब किनारा, ठीक है, और यहाँ एक तो ये होता है कुल, कुल मतलब कहते हैं ना, कुल इतना हुआ सारा टोटल, और ये होती है, ये होता है किनारा। ठीक है, तो कह रहा है कालिंदी, कालिंदी यानी यमुना नदी के कुल यानी किनारे पर कदम्ब की डाल, कदम्ब के पेड़ की डाली पर मेरा बसेरा हो। क्या कहना चाहता है समझो वापस, कि अगर मुझे पक्षी बनाया जाए तो मेरा निवास यमुना नदी के किनारे कदम की डाल पर हो। क्यों, क्योंकि यमुना नदी के किनारे काना अपने साथियों के साथ रास लीलाएं करने आता है, खेलने आता है, और मैं श्री कृष्ण के उस सानिध्य को प्राप्त कर सकूं। तो चारों चीजें, चारों इच्छाएं यहाँ प्रकट हुई है, पहला मनुष्य बनाया जाए तो मुझे ग्वाला बनाना,
ताकि मैं श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर सकूं। दूसरा, अगर मुझे पशु बनाया जाए तो गाय बनाना, ताकि मैं नंद बाबा की गायों के बीच विचरण कर सकूं। नंबर तीन, अगर मुझे पत्थर बनाया जाए तो गिरि पर्वत का बनाना, जिस पर्वत को श्री कृष्ण ने छुआ था, धारण किया था। और नंबर चार, यदि मुझे पक्षी बनाया जाए तो मुझे यमुना नदी के किनारे कदम की डाल पर मेरा बसेरा करना, ताकि मैं श्री कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त कर सकूं। ठीक है, ये हुई आपका पहला सवैया। ये पहले सवैये का हिंदी अर्थ है, इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। नंबर दूसरा पद ले लेते हैं, क्या लेते हैं? नंबर दूसरा पद। नंबर दूसरे पद में क्या कह रहे हैं? या लघुटी अरु कामरिया पर श्री कृष्ण से जो है अनन्य भक्ति प्रकट हुई है, सब कुछ न्योछावर कर देना चाहते हैं उनके रूप सौंदर्य पर। प्रस्थान क्या कहते हैं कि उनकी लकुटी, गाय चराने जो लकड़ी ले जाते हैं उनकी लकुटी और कमरिया यानी कंबल, उनकी लकुटी और कंबल पर राज तिहुपुर को, तिहुपुर तीनों लोक, क्या है? तीनों लोक कौन से? आकाश, पाताल और स्वर्ग, इन तीनों लोक का पुर यानी राज्य तजी डारो यानी त्याग देना चाहता हूँ। अगर मैं क्या करूँ, उनका सानिध्य अगर मुझे प्राप्त हो और उनकी कम्बल और उस लकुटी पर, उनकी लकड़ी और उस कम्बल पर मैं तीनों लोगों के राज को न्योछावर कर देना चाहता। नंबर दो, आठवीं सिद्धि, आठ सिद्धियां मानी जाती है, खजाना जो है आठ सिद्धियों का और नौ निधियों का। ये आठ सिद्धि और नौ निधि का सुख जो प्राप्त होता है, जो इनको प्राप्त करके जो मनुष्य को सुख प्राप्त होता है, उस सुख को मैं नंद की गाय चराई बिसारो यानी भुला दो। किस लिए? नंद बाबा की गाय चराकर ही बिसार दो। क्यों? क्योंकि नंद बाबा की गाय चराने में जो आनंद है, वो आनंद उसे आठ सिद्धियां और नौ निधियों का खजाना प्राप्त करने से भी हासिल नहीं होगा। तीसरी लाइन में कहते हैं रसखान कहते हैं, कबो इन आखिन सो के, हे ईश्वर, मैं कब इन अपनी आंखों से सामने प्रत्यक्ष रूप में ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। ब्रज भूमि के वनों को, बागों को, ध्यानों को और तड़ाग यानी तालाब, नदियों को निहारो यानी देखूंगा। कवि कहता है, हे ईश्वर, मैं कब अपनी इन आंखों से प्रत्यक्ष रूप से ब्रज के वन को, बाग को, तड़ागों को निहारूंगा। कोटिक एकल धोत, कोटिक यानी करोड़ों, कल धोत यानी सोने चांदी के धाम यानी महल। यानी रसखान कहते हैं कि है ईश्वर, मैं जो है वो कोटिक कल धोत, करोड़ों सोने चांदी के महलों को करिल के कुंजन, करिल होती है कंटीली झाड़ियाँ, तो करिल के कुंजन यानी वहाँ पर जो झाड़ियों का वन है उसके ऊपर वाड़ूं। यानी मैं ब्रज भूमि का भी सानिध्य प्राप्त करना चाहता हूँ, और उस ब्रज भूमि के सानिध्य के लिए मैं करोड़ों सोने चांदी के महलों को भी उन झाड़ियों के ऊपर क्या कर देना चाहता हूँ? वार देना चाहता हूँ। ये इसका सेकेंड वाले का सवैये का है आपका हिंदी अर्थ। ठीक है, तो आज हमारे ये दो सवैये यहाँ समाप्त होते हैं, कंटिन्यू रखेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू।